हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखें बच्चों, मैं ऑलरेडी आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं बच्चों। उसके बच्चों मैं चार लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं, आज है लेक्चर नंबर 5। चलें बच्चों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज का, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज, किस बेस पे बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बेस पे। देखिए बच्चों हमारे पास ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बच्चों आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, डिफरेंट तरह के वेव्स होते हैं बच्चों, यानी कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, जो बीच में क्या होगा विजिबल होगा, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रेज। तो जो डिफरेंट ये सारे क्या हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कंपोनेंट्स हैं बच्चों। क्या है ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कंपोनेंट्स हैं। तो बच्चों हमने किस बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो बच्चों हम दो क्वांटिटी की बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो बच्चों फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेकंड बच्चों वेवलेंथ की बेसिस पे भी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ जो आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है बच्चों, वो वेवलेंथ की बुनियाद पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया डिफरेंट कंपोनेंट्स में। इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं मीटर यूनिट लिखूंगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है वेवलेंथ क्या है बच्चों, वेवलेंथ इसका मतलब जो लेंथ है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो बच्चों इन सारों का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो बच्चों हमारे अभी चले समझते हैं कंपोनेंट्स को। देखिए बच्चों गामा रेज ये भी कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, एक्सरे भी कंपोनेंट है, अल्ट्रावायलेट भी कंपोनेंट है, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, बच्चों इसके आगे माइक्रोवेव भी हमारे पास इसका कंपोनेंट है। तो बच्चों ये सारे क्या हैं, बच्चों ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कंपोनेंट्स हैं। तो बच्चों आपको याद रखना हो, अगर क्वेश्चन आए कौन कौन से कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो बच्चों आपको ये बताना है गामा रेज भी कंपोनेंट है, एक्सरे भी है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट्स हैं। चले बच्चों यहाँ समझते हैं इस डायग्राम को, जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है इसको देखते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ नीचे जो पावर में वैल्यू गिवन है बच्चों, वो किसकी है बच्चों, वो वेवलेंथ की है। बच्चों 10^8 मीटर, 10^6 मीटर, 10^4 मीटर, बच्चों ये क्या है, बच्चों ये वेवलेंथ की बुनियाद पर हमने क्या किया हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो आप देख रहे हैं ये शुरू वाला पोर्शन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है गामा रेज, तो बच्चों यहाँ गामा रेज का पोर्शन है, फिर बच्चों क्या है एक्सरेज, फिर क्या है अल्ट्रावायलेट, फिर क्या है इन्फ्रा, तो बच्चों बीच में क्या होगा विजिबल भी होगा, फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो बच्चों इन कंपोनेंट्स को हमने किस चीज की बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, बच्चों वेवलेंथ की बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं भाई इनमें से किस वेव का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, तो जो आप खुद बताओगे, यहाँ 10^8 लिखा हुआ है, यहाँ 10^-18 है, तो बच्चों देखना 10^8 ग्रेटर है या 10^-18, तो बच्चों आप खुद कहोगे भाई 10^8 ग्रेटर है, 10^-18 क्या है लेस है बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों इसका वेवलेंथ क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। तो बच्चों लिखा हुआ है वेवलेंथ लॉन्गेस्ट, तो जो इसका वेवलेंथ क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है बच्चों। बच्चों देखिए बच्चों अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों, बच्चों आपको पता है v = f λ फार्मूला आप पढ़ के आए हो बच्चों। बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, f = v/λ। तो बच्चों आप खुद देख रहे हैं ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब बच्चों वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। इसका मतलब बच्चों इन वेव्स का वेवलेंथ तो ज्यादा है लेकिन इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो बच्चों ये समझा मेरे ख्याल में आपको आ गया होगा। देखिए बच्चों अगर यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है बच्चों 10^-18, बच्चों 10^-18 क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसका मतलब बच्चों इनका वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट है, क्या है बच्चों इनका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, और फ्रिक्वेंसी क्या होगा जो आपको पता है, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा तो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होगा, क्योंकि बच्चों फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उनको नोट करें। क्या लिखा है बच्चों, गामा रेज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बच्चों अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, तो बच्चों आप कहोगे गामा रेज का जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है, क्योंकि बच्चों कितना है 10^-18। बच्चों अगर
इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो जो आपको पता है वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। इसका मतलब बच्चों गामा रे का वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। सेकंड क्या है बच्चों, देखें रेडियो वेव्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यहाँ बच्चों अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं कि वेवलेंथ किसका ज्यादा है, बच्चों आप कहोगे भाई इसका वेवलेंथ क्या है 10^8 मैक्सिमम वेवलेंथ है, ज्यादा है, तो बच्चों क्या होगा इसका वेवलेंथ? बच्चों ये हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स। इसका मतलब बच्चों रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट है, यानी कहा बच्चों रेडियो वेव्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बच्चों अगर उसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो बच्चों ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इसका लोएस्ट होगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो बच्चों मैंने आपको समझाया बच्चों मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों मैंने कहा गामा रेज है, एक्सरे है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, इन्फ्रा है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कंपोनेंट्स है बच्चों। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम जो है बच्चों उनको उनकी कंपोनेंट्स को हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो बच्चों मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे कर सकते हैं, वेवलेंथ की बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ आपकी बुक में जो गिवन है वो वेवलेंथ की बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डिफरेंट कंपोनेंट को डिफाइन किया गया है। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गए होंगे। चलें बच्चों इसको नोट करें ताकि हम आगे मूव करें। चलें बच्चों ये टेबल आपकी बुक में गिवन है, इसको समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, सोर्सेज। बच्चों यहाँ है सोर्सेज, और लास्ट में क्या है बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलें बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रेडियो एंड टीवी। जो आपको पता है रेडियो वेव्स आपने पढ़ा है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मुझे क्या लिखा है रेडियो एंड टीवी वेव्स एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस। बच्चों रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस होंगे उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होगा। बच्चों आपको पता है बच्चों जहाँ हमारे पास जो रेडियो स्टेशन होगा बच्चों वहाँ क्या होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना में क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब बच्चों रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्ज की वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों ये क्या है, एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस की वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। और बच्चों की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ रेडियो वेव्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये क्या लिखा है, कम्युनिकेशन। बच्चों रबते के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं हम। रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, बच्चों आजकल जो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनमें रेडियो वेव्स इस्तेमाल होते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बच्चों ये क्या है बच्चों, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो बच्चों इसको याद रखें आप। सेकेंड हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव्स। बच्चों माइक्रोवेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस, ये भी बच्चों एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। या कभी कभार बच्चों थर्मल एजिटेशन, मतलब क्या बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, जब आप उसको तरह एनर्जी दोगे तो वो क्या होगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसका मतलब बच्चों थर्मल एजिटेशन की वजह से भी माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होते हैं। बच्चों माइक्रोवेव के काम क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्या लिखा है बच्चों, कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होते हैं, और रेडार में भी इस्तेमाल होते हैं। तो जिसका मतलब माइक्रोवेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस की वजह से, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन में और माइक्रोवेव ओवन में एंड रेडार में यूज होते हैं। और क्या लिखा है बच्चों, इंफ्रारेड। बच्चों ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनका सोर्स क्या है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, थर्मल एजिटेशन। बच्चों ये भी थर्मल एजिटेशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से बच्चों हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन जब एक शेयर छोड़ के ऊपर वाले शेयर से जाएगा, फिर ऊपर वाले शेयर से जब नीचे आएगा बच्चों क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रहा है। जब बच्चों इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो, हम कहेंगे भाई वहाँ इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी। उनके काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है बच्चों, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, हीट थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, थर्मल इमेजिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन की यूजेज हैं। और क्या लिखा है बच्चों, विजिबल। बच्चों आपको पता है विजिबल लाइट कौन सा होता है, जो हम लाइट देखते हैं वो विजिबल है। बच्चों क्या लिखा है, थर्मल एजिटेशन।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और जो इन दोनों वेव का जो सोर्स है वो सेम है, जो सोर्स इंफ्रारेड रेडिएशन और विजिबल को प्रोड्यूस करने वाला है वो क्या है बच्चों, सेम है। तो मुझे यहाँ क्या लिखा, ऑल पेरसिसिव ऑप्टिकल फाइबर, बच्चों जो विजिबल लाइट है उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर हम यूज करते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर क्या है तो बच्चों इसको हम आगे समझेंगे, हमारे पास टॉपिक भी है बच्चों, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो जो वहाँ एक चैप्टर ऑप्टिकल फाइबर, तो जो वहाँ हम उसको पढ़ेंगे। तो जो आगे लेके ह्यूमन विजन, हम कैसे देखते हैं बच्चों, विजिबल लाइट की वजह से हम देखते हैं। इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास विजिबल लाइट है वो ह्यूमन विजन में हमारा हेल्प करता है। फोटो सेंसेस बच्चों, जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं वो अपनी गजा कैसे बनाते हैं, फूड कैसे बनाते हैं बच्चों, वो विजिबल लाइट उनको हेल्प करता है बच्चों। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि विजिबल लाइट की मौजूदगी में प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, अपनी फोटोसेंसेस का प्रोसेस करते हैं। चाहे क्या लिखा है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट क्या है बच्चों, ये भी रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मल एजिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बच्चों ये तीन हमने पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन तीनों का सोर्स क्या है बच्चों, सेम है। बच्चों इंफ्रारेड का, विजिबल का, अल्ट्रावायलेट का सोर्स सेम है। बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अल्ट्रावायलेट बच्चों कहाँ यूज होते हैं, कैंसर कंट्रोल, जो कैंसर को कंट्रोल करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करते हैं। स्टरलाइजेशन, बच्चों स्टरलाइजेशन का मतलब जो अगर बच्चों किसी चीज़ में बैक्टीरिया वगैरह हो उनको मारना हो तो हम स्टरलाइजेशन की हेल्प से उनको मार, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से उनको मार सकते हैं। सनबेड्स, सनबेड क्या होता है बच्चों, सनबेड एक आर्टिफिशियल बेड होता है बच्चों, जिसमें क्या बच्चों, जिसमें हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। जब आप बताएं सूरज से विटामिन डी मिलता है बच्चों, अगर बच्चों ऐसी जगह हो जहाँ सूरज इतना ज़्यादा ना हो और विटामिन डी हमें ना मिले तो बच्चों वहाँ क्या करते हैं, सन बेड, एक आर्टिफिशियल बेड बनाया गया है जो कि हमें विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। सन बेड से लिखा है विटामिन डी प्रोडक्शन। चले आगे चलते हैं बच्चों, एक्सरे, जो एक्सरे क्या है, इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड फास्ट कोलिजन। बच्चों एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, बच्चों एक्सरे प्रोड्यूस तब होता है जब हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो एंड फास्ट कोलिजन हो। कैसे बच्चों, देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ समझाऊँ, बच्चे हमारे पास क्या है, एटम है बच्चे पहला शेल, ये सेकेंड शेल, बच्चे ये क्या है, मैं दोबारा बनाता हूँ बच्चे देखिए आप, बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरे इलेक्ट्रॉन इस शेल में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। लेकिन बच्चों अगर मैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करूँ तो यह क्या करेगा बच्चों, ये यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, ये यहाँ से निकला जगह क्या होगा बच्चों, ये जगह खाली रहेगा बच्चों, इसके खाली जगह नीचे बनाया हुआ है बच्चों देखिए आप। तो बच्चों ये खाली रहेगा तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, जब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो बच्चों कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी खारिज करेगा बच्चों। जो एनर्जी रिलीज कर रहा है बच्चों उसका नाम है एक्सरेज। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये फास्ट कोलिजन, क्या लिखा हुआ है, फास्ट कोलिजन, ये इलेक्ट्रॉन था बच्चों, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, जब ये इलेक्ट्रॉन जाकर इससे टकराया और ये इलेक्ट्रॉन निकला बच्चों, तो कैसे बच्चों ये प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सरेज बच्चों इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एंड फास्ट कोलिजन की वजह से प्रोड्यूस होता है बच्चों। बच्चों इसके यूजेज क्या है बच्चों, इमेजिनिंग कैंसर, इमेजिनिंग के लिए जो हम यूज करते हैं इसको, जो आपको पता है हम एक्सरे भी करते हैं, कैंसर थेरेपी में जो कैंसर की इलाज करने के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस, जो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी हम यूज करते हैं क्या बच्चों, हम यूज करते हैं एक्सरे। चले आगे चलते हैं बच्चों, लास्ट क्या है, गामा रेज। तो जो गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो गामा रेज तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास न्यूक्लियर डिके होगा। जो आपको पता है न्यूक्लियर डिके कैसे होता है बच्चों, हमारे पास रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है, तो जो वहाँ क्या होता है न्यूक्लियस बच्चों क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाता है, जो वहाँ डिफरेंट तरह की रेज निकलते हैं बच्चों, अल्फा बीटा गामा, तो जो वहाँ रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, गामा रेज प्रोड्यूस होता है। तो जिन्हें क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर डिके की वजह से गामा रेज प्रोड्यूस होते हैं। उनके काम क्या है बच्चों, एप्लीकेशन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ करते हैं, रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं, और बच्चों कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बच्चों उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आए होंगे बच्चों। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बच्चों।